Swayam Prabha, Digital India, Educated India. Namaskar. स्वयं प्रभा में आपका स्वागत है मेरा नाम डॉक्टर सुमिति आहूजा है और मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के विधि संकाय में सहायक प्राध्यापक हूँ हम सविदा विधि के सीरीज में आज व्याख्यान संख्या आठ तक पहुँचे हैं, जिसमें हमारा टॉपिक है अनुबंध का निर्वहन यानी कि डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विषय सूची इस प्रकार है सबसे पहले हम जानेंगे कि अनुबंध के निर्वहन यानी कि डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का अर्थ क्या होता है फिर हम आगे बढ़ेंगे समझने के लिए कि अनुबंध का निर्वहन किन किन तरीकों से हो सकता है जिसे हम कहते हैं मोड्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंतर्गत आते हैं निष्पादन यानी कि परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस द्वारा निर्वहन दूसरा उल्लंघन यानी कि ब्रीच द्वारा निर्वहन तीसरा असंभवता यानी कि इम्पॉसिबिलिटी द्वारा निर्वहन और चौथा होगा हमारा आपसी समझौते यानी कि म्यूचुअल चार प्रकार के जो मोड्स है यानी कि तरीके हैं अनुबंध के निर्वहन के हम फिर हम आगे देखेंगे कि विफलीकरण के सिद्धांत यानी कि डॉक्टर जिसे भारतीय कानून के अंतर्गत असंभवता का परिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस के नाम से जाना जाता है फिर हम आगे समझेंगे कि जो विफलीकरण क्या आधार है और उसका क्या प्रभाव है यानी कि क्या ग्राउंड अंत में हम जानेंगे फोर्स मेजर क्लॉज यानी कि के बारे में अब हम जानेंगे कि अनुबंध के निर्वहन का अर्थ क्या होता है यानी कि वॉट इज डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये संविधान विधि के अंतर्गत एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट विषय है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे आज हम व्याख्यान संख्या आठ में जिसपे चर्चा कर रहे हैं अब हम देखते हैं इसका क्या अर्थ है एक बार अनुबंध बनने के बाद यानी कि एक बार कॉन्ट्रैक्ट के बनने के बाद अगला कदम होता है अनुबंध का निर्वहन यानि कि एक बार जब दो पक्षों के बीच में या दो व्यक्तियों के बीच में एक अनुबंध बन गया उसके बाद अगला कदम होता है कि वे अपने वादे जो वादे उन्होंने उस अनुबंध के अंतर्गत किए हैं वो पूरे किए जाए और जो अनुबंध है वो खत्म हो यानी कि डिस्चार्ज संविदा के निर्वहन का अर्थ है संविदा का अंत इसका मतलब तो संविदा का अंत है यानी कि जो चीज़ एक बार बनी है वो एक बार खत्म भी होगी जो शुरुआत हुई है जिस चीज की उसका अंत भी है तो डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वही है अब तक हमने ये जाना है कि ये कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है अनुबंध होता क्या है एक समझौता कैसे अनुबंध बनता है उसकी क्या आवश्यकताएं होती हैं जो एक समझौते को एक अनुबंध बनाती हैं अब आज हम जो पढ़ रहे हैं उसके आगे की चीज हम पढ़ रहे हैं अब तक जो हमने जिस चीज की भी चर्चा करी जो भी पढ़ा अब तक वो सिर्फ एक अनुबंध के बारे में था कि है क्या बना कैसे और क्या उसकी जरूरतें हैं क्या उसकी विशेषताएं हैं वे सब हमने देखा है आज हम देख रहे हैं कि उसका अंत किन किन प्रकार से होता है अनुबंध का अवधि निर्वहन पार्टियों के बीच संविदात्मक संबंधों की समाप्ति को संदर्भित करता है यानी कि जो डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं यानी कि अनुबंध के निर्वहन के बारे में जब अनुबंध का निर्वहन होता है तो जो दोनों पक्ष होते हैं दोनों पार्टीज जो होती हैं, उनके बीच जो भी संविदात्मक संबंध होते हैं वे समाप्त हो जाते हैं समाप्त इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि संविदा का अंत हो जाता है एक अनुबंध को तब समाप्त माना जाता है जब उसका संचालन बंद हो जाता है यानी कि उसका ऑपरेशन बंद हो जाता है वो लागू होना खत्म हो जाता है यानी जब पार्टियों के अधिकार और जिम्मेदारियां उसके अंतर्गत समाप्त हो जाती हैं, यानी कि जो दो व्यक्ति जिन्होंने जो अनुबंध में बंधे थे वे अब उस अनुबंध से बंधित नहीं हैं वे अब उससे रिलीज हो चुके हैं संविदात्मक दायित्वों का निष्पादन यानी कि परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लीगेशन जो है ये निर्वहन का एकमात्र तरीका नहीं है देखिए ये समझना बहुत जरूरी है हम कह रहे हैं डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यानी कि पार्टीज जो हैं उनकी जिम्मेदारियां या उनके वादे जो थे एक दूसरे को किए गए वे सब अब खत्म हो चुका है उसका मतलब सिर्फ एक ही तरीके से खत्म होना नहीं है यानी कि दोनों पक्षों ने अपने अपने वादे पूरे कर दिए तो वह खत्म हो गया यानी कि जो आपका अनुबंध था अब वह समाप्त हो चुका है सिर्फ एकमात्र तरीका नहीं है हाँ एक तरीका जरूर है कि दोनों पक्षों ने अपने अपने वादे पूर्ण कर लिए तो अनुबंध समाप्त हो गया ये पहला एक तरीका है अब हम आगे जानेंगे कि इसके अलावा और क्या क्या तरीके है अनुबंध के निर्वहन के तरीके मुख्य रूप से चार तरीकों की पहचान की गई है और भारतीय संविदा अधिनियम अठारह के तहत इन्हें शामिल किया गया है वे इस प्रकार है निष्पादन द्वारा निर्वहन यही हमने पिछले स्लाइड में भी देखा निष्पादन द्वारा निर्वहन निष्पादन का मतलब परफॉर्मेंस होता है जब हम परफॉर्मेंस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं या निष्पादन शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं उसका मतलब ये है कि अनुबंध समाप्त इसीलिए हुआ है या अनुबंध का निर्वहन इसीलिए हुआ है क्योंकि दोनों पक्षों ने अपने अपने किए गए वादे उन्हें पूरा कर लिया है तो सबसे पहला जिसे हम कहते हैं सबसे कॉमन तरीका जो है अनुबंध के निर्वहन का वह यही है यानी कि निष्पादन द्वारा निर्वहन दूसरा तरीका है उल्लंघन द्वारा निर्वहन जिसे हम कहते हैं ब्रीच उल्लंघन द्वारा निर्वहन यानी कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये इसका एग्जाम्पल इसके उदाहरण में आपको कई बार अपने अलग अलग व्याख्यानों में दे चुकी हूं, पर मैं एक बार फिर आपको इसे समझाने के लिए एक उदाहरण दोबारा देना चाहूंगी उल्लंघन द्वारा निर्वहन का मतलब ये है कि सोचिए दो पक्ष दो व्यक्ति या दो पार्टी वे एक दूसरे के साथ एक अनुबंध में बनते हैं दोनों ने उस अनुबंध के अंतर्गत एक दूसरे को कुछ न कुछ वादा किया है जैसे कितनी बार मैंने आपको यही खरीदारी का उदाहरण दिया है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपनी घड़ी बेचना चाह रहा है और दूसरे व्यक्ति ने उसे कहा है कि ठीक है वह घड़ी खरीदने के लिए तैयार है और दोनों के बीच में उसका मूल्य भी तय हो गया तो एक तय की गई तारीख पे ये लेन देन होना है अब आप ये सोचिए कि जिस दिन उस लेन देन की तारीख आती है अनुबंध के तहत उस दिन दोनों में से एक व्यक्ति आगे बढ़ने से यानी कि उस अनुबंध में किया गया वादा उसको पूरा करने से मना कर देता है अगर ऐसा होता है कि दोनों पार्टी में से कोई एक पार्टी जिसने अनुबंध के अंतर्गत अपना वादा पूरा करने से मना कर दिया तो उसे हम कहते हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यानी कि उल्लंघन द्वारा निर्वहन क्योंकि अगर उसने ब्रीच भी कर दिया उल्लंघन भी कर दिया तब उससे भी एक अनुबंध यानी कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिस्चार्ज हो जाता है तीसरा तरीका है असंभवता द्वारा निर्वहन जिसे हम कहते हैं इम्पॉसिबिलिटी इम्पॉसिबिलिटी का मतलब ये है कि समझिए आप यहाँ समझिए आप यहाँ पे आ, दिल्ली में रहते हैं और दूसरा व्यक्ति जिसके साथ आप लेन देन करने वाले हैं या जिसके साथ आपका व्यापार आ, चल रहा है वे व्यक्ति लखनऊ का रहने वाला है तो आप ये देखिए कि ऐसा अ दोनों के बीच में ये वादा हुआ है कि जो दिल्ली वाला व्यक्ति है वो कुछ रॉ मटेरियल यानी कि कोई कोई कपड़ा जो है वे उस व्यक्ति को जो कि लखनऊ में रहता है वहां उसको बेचने वाला है या समझिए हाँ ठीक है वो उस कपड़े को से वहां बेचने वाला है वो व्यापारी व्यापारी है अब ये सोचिए कि जिस दिन उसने वे कपड़ा वहां डिलीवर कर डिलीवर क्या शिप करना था भेजना था उस दिन उस व्यक्ति जो दिल्ली में स्थित है जो व्यापारी है उसने अपना सारा सामान तैयार करके रखा लेकिन उसकी किस्मत देखिए कि उसके कारखाने में आग लग गई अब उसके कारखाने में अगर आग लग जाती है तो तय समय पे अनुबंध पूरा करना यानी कि अपना वादा जो उस अनुबंध में उसने किया था सामने वाले व्यक्ति को उसे पूरा करना असंभव है यानी कि इम्पॉसिबल है पर यह देखिए कि जो ये जिस कारण की वजह से जो अनुबंध का जो आ, निर्वध था या अनुबंध का जो निष्पादन था परफॉर्मेंस था वो इम्पॉसिबल हो गया है वे कारण वो व्यापारी जो दिल्ली में स्थित है वो नहीं है अब उसके कारखाने में आग लग गई उससे ज़्यादा तो किसी और को नुकसान नहीं हुआ है तो उसके कारखाने में आग लग गई और उस घटना की वजह से वे अपना ऑर्डर यानी कि वे अपना जो वादा था उस अनुबंध के तहत वो पूर्ण नहीं कर पाया तो उस वजह से संभवता द्वारा निर्वहन हो गया यानी कि डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू इम्पॉसिबिलिटी हो गया चौथा, चौथा तरीका है आपसी समझौते से निर्वहन जिसे हम कहते हैं म्यूचुअल अग्रीमेंट म्यूचुअल अग्रीमेंट से निर्वहन का मतलब ये है देखिए मैंने ये बताया था आपको अभी कुछ मिनट मिन पहले उल्लंघन द्वारा निर्वहन में ये होता है कि दोनों में से एक व्यक्ति अपना किया गया वादा पूरा करने से मना कर देता है उल्लंघन कर देता है और जिस वजह से उल्लंघन कर देता है उस उन, अनुबंध का जिस वजह से निर्वहन हो जाता है एक अनुबंध का अब यहाँ पे हम कह रहे हैं आपसी समझौते से आप निर्वहन कर रहे हैं यानी कि दो तीन चीजें हो सकती है अभी एक उदाहरण के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं कि दोनों व्यक्ति या दोनों पक्ष इस अनुबंध में बंधे हैं। वे दोनों अगर ये निर्णय ले कि देखिए जिस कारण से हम दोनों ने ये अनुबंध किया था वो कारण अब ज्यादा मुनाफे वाला नहीं रहा तो अब वो अनुबंध उन दोनों के लिए कुछ ज्यादा मुनाफा या कुछ ज्यादा प्रॉफिटेबल है नहीं तो दोनों मिलके सहमति से एक दूसरे की सहमति से इस निर्णय पे पहुंचते हैं कि वे अनुबंध जिसमें वो एंटर किए थे जो अनुबंध में वो दोनों बंधे हुए थे वो अनुबंध का अंत हो गया यानी कि म्यूचुअल अग्रीमेंट से दोनों पार्टियों ने उस कॉन्ट्रैक्ट को उस अनुबंध को समाप्त कर दिया है उसका निर्वहन कर दिया है अब हम एक एक करके इन चारों तरीकों को जो कि अनुबंध के निर्वहन से निर्वहन के बारे में बात करते हैं एक एक करके इन चारों तरीकों को हम समझने की कोशिश करेंगे अभी तक जो मैंने आपको बताया वो बस एक झलक थी अब आगे देखते हैं डिटेल में कि क्या होता है निष्पादन जैसा कि बताया था परफॉर्मेंस तो संविदा के अंतर्गत निर्धारित दायित्वों की पूर्ति संविदा के पक्षकारों द्वारा निर्धारित समय के भीतर और निर्धारित रीति से करना इसे परफॉर्मेंस कहते हैं यानी कि संविदा यानी कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो भी निर्धारित दायित्व यानी कि जो भी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस यानी कि जो भी दोनों पक्षों की जो ड्यूटी है एक दूसरे की तरफ उसकी पूर्ति यानी कि उन्हें पूरा करना गए वादों को पूरा करना संविदा के पक्षकारों द्वारा उसे पूरा करा जाना निर्धारित यानी कि डिसाइडेड समय पे और निर्धारित रीति के अनुसार यानी कि मैनर प्रिस्क्राइब पार्टियों की देयता समाप्त हो जाती है यानी कि देखिए एक बार दोनों पक्षों ने अपने अपने वादे जो उस अनुबंध के अंतर्गत किए थे अगर उन्हें पूरा कर लिया है तो उसके बाद दोनों की जो आगे की लाइबिलिटीज है यानी कि जो दोनों के दायित्व है उस अनुबंध के अंतर्गत वे समाप्त जाते हैं क्युं? क्यों क्योंकि अब उसमें आगे और कुछ करने को बचाई ही नहीं है जो जो वादे किए गए थे उन्हें पूरा कर दिया गया है यदि पार्टियों में से केवल एक ही अपने दायित्वों का पालन करता है तो वह पार्टी अकेले ही निर्वहन करती है यानी कि दोनों में से एक पार्टी अगर अपने किए गए वादे पूरे करती है तो सिर्फ वह पार्टी ही उस अनुबंध से निर्व... निर्वहन उसका हो जाता है यानी कि वही पार्टी जो है उस अनुबंध से डिस्चार्ज हो जाती है यानी कि उसकी जो दायित्व है उस अनुबंध के अंतर्गत समाप्त हो जाते हैं तो हमने कहा एक पार्टी अगर कर देती अगर एक पार्टी ने कर लिया तो दूसरी पार्टी क्या कर रही है देखते हैं इस पार्टी को दोषी पार्टी के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार मिल जाता है यानी कि जब मैंने ये कहा कि अगर एक पार्टी अपने वादों को पूरा कर देती है तो उसके दायित्व उस अनुबंध के अंतर्गत समाप्त हो जाते हैं तो दूसरी पार्टी यहां पर हम ऐसी कह रहे हैं कि वह दूसरी पार्टी अगर मना कर देती है अपने वादों को पूरा करने से तो वो पार्टी डिस्चार्ज नहीं होती यानी कि उस पार्टी के द, जो दायित्व थे उस अनुबंध के अंतर्गत वे उससे छूट नहीं जाती तो जो पार्टी जिसने अपने आ, सारे दायित्वों का पालन किया है उसे अधिकार मिल जाता है कि दोषी पार्टी के खिलाफ कार्रवाई करे यानी कि न्यायालय जाए तो दो में से कोई एक चीज ही जनरली मिलती है यानी कि वो ये बोले कि मुझे इतना नुकसान हुआ है तो ये व्यक्ति उसकी भरपाई करे या फिर यह भी बोला जा सकता है कि देखिए हमारे बीच में एक अनुबंध हुआ था जिसके अंतर्गत सामने वाले व्यक्ति ने ये काम करना था मेरे लिए तो कृपया करके कोर्ट जो है न्यायालय जो है उस व्यक्ति को ये उद्देश्य दे कि वो व्यक्ति उस किए गए वादे का पालन करे एक ये भी तरीका हो सकता है कानूनी उपचार का निष्पादन द्वारा निर्वहन निम्न प्रकार से हो सकता है यानी कि जो परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की हम बात कर रहे हैं यानी कि अनुबंध के अंतर्गत अपने वादों की पूर्ति के बारे में जो हम बात, बात कर रहे हैं वे दो प्रकार की हो सकती है वास्तविक निष्पादन यानी कि एक्चुअल परफॉर्मेंस दूसरी है प्रयासित निष्पादन यानी कि अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस जिसका तात्पर्य यह है, है कि जो वास्तविक निष्पादन है एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसका मतलब यह है कि आपने पार्टियों ने अपने अपने किए गए वादे को पूरा किया वास्तविक निष्पादन जो परफॉर्मेंस है उसका मतलब है है कि एक व्यक्ति जो है उस अनुबंध के अंतर्गत वो अपना वादा पूरा करना चाह रहा है और वो सामने वाले को ये कह भी रहा है कि देखिए इस ये समय आ गया है कि हम दोनों अपने अपने वादे जो थे उस अनुबंध के अंतर्गत उसे पूरा करें और वो व्यक्ति उसे

जब दोनों पक्ष अपने दायित्वों को पूरा करते हैं तो अनुबंध का निर्वहन किया जाता है समझौते की शर्तों के अनुसार निष्पादन संपूर्ण और सटीक होना चाहिए यानी कि जो आप परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं यानी कि अपने अपने जो दायित्व है उस अनुबंध में वो पूरी तरह से आप जो है कंप्लीट कर रहे हैं पूरी तरह से उनका निष्पादन कर रहे हैं अधिकांश अनुबंधों का निर्वहन इसी तरीके से किया जाता है मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि यह सबसे कॉमन या सबसे अत्यधिक इसी तरीके का इस्तेमाल होता है अब हम आगे पढ़ते हैं प्रयासित निष्पादन के बारे में यानी कि अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस के बारे में प्रयासित निष्पादन केवल संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने का एक प्रस्ताव है जैसा कि मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया वचन करता यानी कि प्रोमिसर दायित्व को पूरा करने के लिए सहमत होता है लेकिन वचन गृहिता यानी कि इसे स्वीकार करने से इनकार करता है इसे प्रयास किए गए निष्पादन या निष्पादन की निविदा द्वारा अनुबंध का निर्वहन कहा जाता है यानी कि इसे अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस या टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस द्वारा डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है मतलब जैसा बताया कि एक व्यक्ति अपना किया गया वादा या दायित्व जो है उस अनुबंध के अंतर्गत उसे पूरा करने के लिए तैयार है और उसे पूरा करने के लिए वह सामने वाले को प्रस्ताव देता है पर सामने वाला व्यक्ति यानी कि दूसरी पार्टी जो है उस अनुबंध में वो मना कर देती है परफॉर्मेंस लेने से सामने वाले पार्टी को भी रोक देती है तो ऐसे में हम कहते हैं कि अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस हुआ है अध्याय चार यानी कि जो चैप्टर फोर है आपके भारतीय संविधान अधिनियम अठारह में जिसके तहत धारा सैतीस से लेकर यानी कि सेवन तक कवर्ड है देखते हैं क्या क्या चीजें कही गई हैं इनमें तो सबसे पहले अनुबंध जिनका पालन किया जाना चाहिए यानी कि परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वे अनुबंध जिनका पालन किया जाना चाहिए मतलब आपने एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को अगर एक प्रस्ताव दिया दूसरे ने उसकी स्वीकृति करी आप एक अनुबंध में बंधे हैं तो ये कहता है कि इस तरह का जो अनुबंध है उसे पूरा करना जरूरी है अब देखिए मैं आपको दो उदाहरण देती हूँ या दो अलग अलग उदाहरण देती हूँ पहला समझिए कि दो व्यक्तियों के बीच में एक अनुबंध हुआ एक व्यक्ति अ ऐसा समझिए कि उसकी मृत्यु हो गई जब कॉन्ट्रैक्ट जो था या अनुबंध जो था उसके तहत किए गए जो वादे को पूरा करने का समय आया उससे पहले ही उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई अब ऐसी स्थिति में अगर सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि जो दोनों के बीच में अनुबंध था वो किस चीज को लेके था तो अब अगर पहला अगर वो था किसी सामान के खरीदने बेचने को लेकर यानी कि आपने उस दूसरे व्यक्ति तक माल पहुंचाना था और जिस व्यक्ति जिस व्यक्ति की मृत्यु हो गई उसने माल पहुंचाना था और सामने वाली पार्टी ने उसको उसके एवज में रुपए देने थे अब इस व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो कौन, और कॉन्ट्रैक्ट खत्म तो हुआ नहीं क्योंकि अनुबंध तो बन चुका था उसके बाद उस व्यक्ति की मृत्यु हुई है और ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो ऐसा नहीं कि क्योंकि मृत्यु हो गई तो पूरा हो ही नहीं सकता पूरा हो सकता है ऐसे में उसके जो घर वाले हैं या जो बाकी लोग उसके साथ उस माल को बनाते हैं या बेचते हैं जो उसके साथ संबंधित है जो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स है वो लोग उसके जगह पर उस अनुबंध को पूरा करेंगे यानी कि आप तक माल पहुंचाएंगे और आपसे उसका पैसा लेंगे अब दूसरा ये मान लीजिए कि जो अनुबंध दोनों के बीच में बना है वो समझिए जिस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है वो एक पेंटर है वो चित्र बनाता है पेंटर है तो उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई इससे पहले कि वो अपना अनुबंध में किया गया वादा पूरा करता अब ऐसी स्थिति में क्या होगा ऐसी स्थिति में ये कहा जाता है जहां पे कोई भी स्किल जहां आ जाती है जिस व्यक्ति ने अनुबंध किया और वह व्यक्ति कोई उसके पास कोई स्किल है पर्सनल स्किल पेंटर है डांसर है सिंगर है और यहाँ पियानो बजाता है म्यूजिशियन है इस तरह का अगर कोई व्यक्ति है जो सामने वाले के साथ एक अनुबंध में बंधा है अगर इस तरह के व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो जो कॉन्ट्रैक्ट है या अनुबंध है वो अपने आप ही खत्म हो जाता है क्योंकि उसकी जगह पे कोई और उसका पालन नहीं कर सकता फिर है धारा 40 से 45 अनुबंध का निष्पादन किसके द्वारा किया जाना चाहिए देखिए अनुबंध का निष्पादन या कॉन्ट्रैक्ट हु विल परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट तो निष्पादन कौन करेगा परफॉर्म तो वही करेगा जो उस कॉन्ट्रैक्ट में पार्टी है जो उस कॉन्ट्रैक्ट में या उस अनुबंध में पार्टी है पक्ष है वे ही उसका जो है उसका निष्पादन करेंगे उसे परफॉर्म करेंगे पर जैसा कि मैंने आपको अभी ही बताया था कि आ, अगर पार्टी की मृत्यु हो गई और वो कोई कलाकार था किसी तरह की कला थी उसके पास तो वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है फिर वो कोई और परफॉर्म नहीं कर सकता या एक और एग्जाम्पल मैं दू आपको थोड़ा अलग कि आ, जो इसी 40 से 45 के बीच में ही आपको मिलेगा उसके अंतर्गत ये है कि देखिए अगर एक व्यक्ति अनुबंध के निष्पादन किसके द्वारा किया जाए तो आपने मुझे कुछ सामान बेचना था भिजवाना था मेरे पास और मुझे उसके एवज में आपको पैसे देने थे मेरा वादा यह था आपको जो किया था मैंने कि अगर मुझे ये माल मिल जाएगा समय से तो मैं आपको इसके तय जो भी हुआ था उतने रुपए दूंगी अब आपने सामान दे दिया रुपए मेरी जगह कोई और व्यक्ति आपको देता है मेरी जगह पे और आप उसको स्वीकार कर लेते हैं एक बार आपने उसे स्वीकार कर लिया दोबारा आप वो मुझसे पैसे नहीं मांग सकते क्योंकि मेरी जगह पे किसी और ने वो पैसे आपको दिए और आपने वो स्वीकार कर लिए हैं। तीसरा है निष्पादन के लिए समय और स्थान यानी कि टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फिर आता है पारस्परिक वादों का निष्पादन यानी कि रेसिप्रोकल प्रोमिस का परफॉर्मेंस मतलब रेसिप्रोकल प्रोमिस वही है कि दोनों व्यक्तियों ने एक दूसरे को वादा किया है मैंने आपको एक वादा किया उसके बदले में आपने मुझे एक वादा किया है अब ये देखिए दो तरीके फिर मैं आपको बताऊंगी जो इन्ही प्रोविजंस में इन्हीं सेक्शन में धाराओं में कवर किए गए सबसे पहला तरीका ये है कि देखिए हम कहीं बाहर किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो एक कायदा यानी कि एक सेट प्रैक्टिस जिसे हम कहते हैं वो यही है कि हम जाएंगे अगर हम ऐसा रेस्टोरेंट है मैकडोनल्ड की बात नहीं कर रही कोई ऐसा रेस्टोरेंट है जहां इंसान बैठ के खाना खाता है और टेबल पे बैठे बैठे ही वह अपना ऑर्डर देता है इस तरह का अगर एक रेस्टोरेंट है आप बैठे अपने परिवार के साथ या दोस्त के साथ व्यक्ति आता है आपको एक मेन्यू कार्ड देता है आप उसमें से देखते हैं क्या खाना चाहते हैं और अपना ऑर्डर देते हैं फिर उसके बाद खाना आता है आपने खाना खा लिया फिर उसके पैसे आपने दिए एक तरीका ये दूसरा तरीका अब बात करते हैं मैकडोनल्ड्स वहां पर क्या है जैसे हम सेल्फ सर्विस रेस्टोरेंट बोलते हैं आप पहले जाते हैं काउंटर पे वही के वहीं आप अपना ऑर्डर देते हैं पर पैसे पहले देते हैं उसके बाद आपको खाना मिलता है तो ये देखिए जो रेसिप्रोकल प्रोमिस का निष्पादन है यहाँ पे इस तरह से हुआ है जिससे हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस तय है कि भाई अगर आप एक ऐसे रेस्टोरेंट में जा रहे हैं जहां टेबल पे बैठ के आराम से खाते हैं और टेबल पर खाना आता है वहां पे एक तय तरीका होता है कि पहले आप ऑर्डर देंगे खाएंगे फिर पैसे देंगे जहां आप सेल्फ सर्विस वाली जगह जाते हैं वहां तय होता है कि आप पहले ऑर्डर देंगे पैसे देंगे फिर खाना मिलेगा फिर उसे खाएंगे ठीक और एक और चीज है ये तो हुई एक सेट प्रैक्टिस बाकी कई बार ये होता है कि जैसे दो व्यापार व्यापारियों के बीच में अगर अनुबंध हुआ है तो दोनों में ये निर्णय लिया जा सकता है कि भाई पहले आप हमें पैसे देंगे जिस दिन हमें पैसे मिल गए अगले ही उसके दिन हम आपको वो सामान जो है दे देंगे या उल्टा हो सकता है कि पहले आप सामान दीजिए जिस दिन सामान देंगे उसी दिन या उसके अगले दिन आपको पैसे मिल जाएंगे भुगतान का विनियोग यानी कि अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स यानी कि आपने किसी से एक से ज्यादा उधारी ली हुई है और जब आप उसको वो पैसे कुछ पैसे सारा उधार नहीं पर कोई एक उधार अगर वापस करते हैं कोई एक अमाउंट जो है वापस करते हैं तो जिस व्यक्ति को आप वो वापस कर रहे हैं वो कैसे आपके दिए हुए पैसों को अप्रोप्रिएट करेगा यानी कि उसका विनियोग भुगतान का विनियोग कैसे करेगा आखिर में निष्पादन द्वारा निर्वहन में आखिर में हम देख रहे हैं जो सेक्शन है वे बात करते हैं ऐसे अनुबंध जिन्हें निष्पादित करने की आवश्यकता ही नहीं है जो जिन्हें निष्पादित करने की आवश्यकता ही नहीं यानी कि जिन्हें परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है इसी में ही आप देखेंगे जब मैंने आपको बताया था जो म्यूचुअल अग्रीमेंट्स है यानी कि आपसी समझौते से वो इसमें कवर होता है यानी कि दो पार्टी मिलकर ये तय करें कि भाई जो पहले अनुबंध बनाया था वो अब सही नहीं है उसको रिप्लेस कर देते हैं, उसको हटा के अब एक नया अनुबंध करते हैं। तो पिछला किया हुआ जो अनुबंध है वो रद्द हो जाता है खत्म हो जाता है अब उन दोनों व्यक्तियों के बीच पे एक नया अनुबंध आया या फिर दोनों ने मिल तय किया कि भाई इस अनुबंध में अब हमें और नहीं बनना खत्म करते हैं। या उसमें कुछ कुछ उन्होंने चेंजेस किए अब आया उल्लंघन द्वारा निर्वहन यानी कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा डिस्चार्ज उल्लंघन का अर्थ है किसी अनुबंध के तहत दायित्वों को पूरा करने से इनकार करना अनुबंध के उल्लंघन के मामले में क्या क्या उपाय है तो जो आपकी भारतीय संविधा अधिनियम है यानी कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसके तहत आपको कुछ उपाय अगर एक व्यक्ति अनुबंध का उल्लंघन करता है तो जिस व्यक्ति के अधिकारों को चोट पहुंची है वे व्यक्ति उसके पास क्या कानूनी उपाय है कुछ उपाय तो आपको मिल जाएंगे भारतीय संविधान अधिनियम के तहत ही और कुछ उपाय आपको मिलते हैं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंतर्गत उल्लंघन भी दो प्रकार के होते हैं अभी हमने देखा था निष्पादन भी दो प्रकार के होते हैं उल्लंघन भी दो प्रकार के ही होते हैं पहला है वास्तविक उल्लंघन यानी कि एक्चुअल ब्रीच दूसरा है प्रत्याशित उल्लंघन यानी कि एंटीसिपेटरी ब्रीच दोनों में अंतर क्या है आइए समझते हैं वास्तविक उल्लंघन का मतलब है किसी दायित्व के दे होने पर यानी कि ड्यू होने पर उसे पूरा करने में असफल होना जब आपका वादा पूरा करने का समय आया है उस अनुबंध के अंतर्गत वो आप पूरा करने में असफल हुए यानी कि आप मना कर देते हैं या उसे पूरा नहीं करते हैं उदाहरण के लिए विक्रेता द्वारा समय पर सामान वितरित करने में विफलता या यदि सामान वितरित किया गया है डिलीवर किया गया है लेकिन अनुबंध की गुणवत्ता या मात्रा विनिर्देशों को पूरा नहीं करता है या तो वो सामान भेजता ही नहीं है या फिर वो जो सामान भेजता है वो तय किए गए सामान के मुताबिक नहीं होता है ये आपको मिल जाएगा धारा अड़तीस भारतीय संविदा अधिनियम के तहत दूसरा है प्रत्याशित उल्लंघन यानी कि जिसे हम कहते हैं एंटीसिपेटरी ब्रीच यानी कि समय वादा पूरा करने का समय आने से पहले ही आप पीछे हट जाते हैं आप मना कर देते हैं कि जिस दिन वादा पूरा करने का समय आएगा आप वे वादा पूरा नहीं करेंगे यह तब होता है जब एक पक्ष प्रदर्शन के लिए प्रदर्शन से यहाँ पे मेरा तात्पर्य है कि निष्पादन परफॉर्मेंस के लिए निर्धारित तिथि के आने से पहले घोषणा करता है कि वह निर्दिष्ट तिथि पर संविदात्मक दायित्व का महत्वपूर्ण हिस्सा पूरा नहीं करेगा या नहीं कर पाएगा या नहीं करेगा मना करता है साफ। कह रहा है कि मैं स्थिति में नहीं होगा कि मैं उस दिन कर पाऊ या नहीं करेगा या नहीं कर पाएगा वो ये चीज आपको उस, इसकी सूचना वह आपको पहले ही उस तारीख के आने से पहले ही दे देता है इसे हम कहते हैं एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये दिया हुआ है धारा उनतालीस यानी कि थर्टी नाइन के अंतर्गत अब ऐसे में भी मैं आपको बताऊं सामने वाला व्यक्ति जिसको ये पार्टी ये जो व्यक्ति है ये पक्ष जो है जो कह रहा है कि मैं यहाँ तो नहीं कर पाऊंगा या नहीं करूंगा जब तारीख आएगी तो जो दूसरा व्यक्ति है दूसरा पक्ष जो है उसके पास दो उपाय है या दो विकल्प है मैं बताऊं पहला ये कि या तो वो वहीं खत्म कर दे कहते कहे कि अच्छा ठीक है तुम नहीं कर पाओगे इसका मतलब तुमने उल्लंघन किया है अनुबंध का तो अब तुम्हें उसका उसकी भरपाई करनी होगी या दूसरा दूसरा ये तर, ये उसके पास विकल्प है कि अगर वो ठीक समझे उचित समझे तो वो उस तय की गई तारीख तक इंतजार करे वेट करे और देखे कि क्या पता सामने वाला पक्ष तब तक अपना वादा पूरा करने की स्थिति में हो तो उसे ये दोनों चीजें धारा उनतालीस के उनतालीस में लिखित में दी गई है अब हम आते हैं आपसी समझौते से निर्वहन पर यानी कि म्यूचुअल अग्रीमेंट से डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है यानी कि आपसी सहमति से एक अनुबंध का निर्वहन कैसे होता है अब हम वे समझेंगे इस मामले में संविधा के पक्ष आपसी समझौते पर आपसी समझौता बहुत जरूरी है आपसी समझौते पर पहुंचने पर संविदा में बताए गए वादे को पूरा नहीं करते हैं पर पिछला जो था आप देखिए वो था उल्लंघन जब कोई एक पक्ष अपना वादा पूरा करने से मना करता है अब यहां आया है आपसी समझौते से वे वादा पूरा करने से मना करते हैं आपसी समझौते और अगर आपसी समझौते से है तो किसी एक को दंडित नहीं किया जाएगा इसके लिए मौजूदा संविदा को एक नई संविदा के साथ प्रतिस्थापित करने या बदलने की आवश्यकता है किन किन स्थितियों में आप आपसी समझौते से निर्वहन कर सकते हैं सबसे पहला है नोवेशन यानी कि नवीन यानी कि मूल अनुबंध को नए के साथ प्रतिस्थापित करें, यानी कि जो आप दोनों के जो दोनों पक्षों के बीच में अनुबंध बना था उस अनुबंध को हटाकर उसको नए अनुबंध से प्रतिस्थापित करें, नए के साथ करें, यानी कि पुराना हटाकर नए को उसकी जगह ले आए अब पुराना पूरी तरह से खत्म हो चुका है कानूनी नजरों में अब सिर्फ नया वाला जो है वो अब आपके बीच का अनुबंध है नोवेशन का मतलब ही नया होता है न्यू अनुबंध की शर्तों में परिवर्तन और जो नोवेशन माफ कीजिएगा जो नोवेशन है वो धारा बासठ के तहत दी गई है अनुबंध की शर्तों में परिवर्तन परिवर्तन जिसे हम कहते हैं ऑल्टरेशन वो भी धारा बासठ में ही दी गई है ऑल्टरेशन का मतलब ये है कि आप दोनों ने एक अनुबंध में आप बंधे और उस अनुबंध में आप कुछ थोड़े बहुत चेंजेस लाना चाहते हैं वो आता है परिवर्तन में जिसे हम कहते हैं ऑल्टरेशन फिर धारा बासठ में एक चीज और दी गई है जिसे हम कहते हैं यानी कि अनुबंध को आप दोनों मिलकर रद्द कर रद्द रद घोषित कर देते हैं यानी कि खत्म कर देते हैं क्योंकि अब आप उसमें बंधे नहीं रहना चाहते और आपसी समझौते से आप इस निर्णय पे पहुंचते हैं कि आप दोनों ही दोनों को ही उसके अंतर्गत किए गए वादों को पूरा करने की कोई आवश्यकता नहीं है और वो जो आपका आ, आ, अनुबंध है वो समाप्त हो जाता है खत्म हो जाता है चौथा है यहां पर जो धारा तिरसठ में दिया गया है जिसे हम कहते हैं रेमिशन रेमिशन यानी कि परिहार किए गए वादे की कम पूर्ति अब कम पूर्ति का मतलब देखिए इसका मतलब यह है कि आपको जब जरूरत थी आपने कोई चीज गिरवी रखकर अगर आपने किसी से कोई लोन लिया आपने लोन लिया तो अब आपको वो लोन चुकाना है मैं किसी बैंक से लिए गए लोन के बारे में बात नहीं कर रही मैं एक जनरल आपको बता रही हूँ क्योंकि आपको ये इसका मतलब समझाना चाहती हूँ आपने किसी व्यक्ति से लोन लिया बदले में अपनी कीमती घड़ी उसके पास रख दी कि जब तक पैसे मैं आपको वापस ना दू तब तक आप ये रख सकते हो अब आप उस व्यक्ति को ये बताते हो कि आप इस स्थिति में नहीं हो अब कि आप वो पूरा जो पैसा आपने उस व्यक्ति से लिया था उसे वापस कर सको पर आप ये कहते हो सर चलिए मान लीजिए आपने एक लाख लिए अब आप उस व्यक्ति को ये कहते हो कि आपकी स्थिति ऐसी है कि आप साठ हजार से ज्यादा दे ही नहीं सकते हो आपके पास बिल्कुल पैसे है ही नहीं उससे ज्यादा अब ऐसे में अगर वो व्यक्ति साठ हजार रुपये लेकर उस लिए गए लोन को माफ कर दे साठ ले ले एक लाख के बदले में साठ हजार ले एक लाख के बदले में तो वो यहां पर आ जाता है कि किए गए वादे की कम पूर्ति कम पूर्ति करी आपने पर वो उल्लंघन नहीं है क्योंकि कम पूर्ति करी पर वो भी आपसी समझौते से की गई है क्योंकि आपने सामने वाले को बता दिया कि आप उस स्थिति में हो नहीं निष्पादन की असंभवता से निर्वहन यानी कि इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस जो धारा छप्पन है आपके भारतीय संविदा अधिनियम में धारा 56 जो है वो तीन भागों में उसे बांटा गया है पहला भाग हम आ, पिछले व्याख्यान में हम चर्चा कर चुके हैं उस पर वो ये कहता है कि अग्रीमेंट टू डू एन इम्पॉसिबल एक्ट इज वर्ड यानी कि जब आपने एक समझौता किया वो समझौता ही किसी ऐसे कार्य को करने के लिए ऐसी किसी ऐसे कार्य को लेके है जो कार्य कभी हो ही नहीं सकता वो पॉसिबल ही नहीं है उसे हम कहते हैं वो भाग एक में कवर होता है हम बात कर रहे हैं भाग दो की यानी कि इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यानी कि निष्पादन की असंभवता से निर्वहन किसी कार्य को जो भाग दो में दिया गया किसी कार्य को करने का अनुबंध बाद में असंभव या गैर कानूनी हो जाता है इसका मतलब ये है और ये पहले भाग से इस तरह से अलग है क्योंकि इसके अंतर्गत दो व्यक्ति अनुबंध में बंध चुके थे वह एक वैध अनुबंध था यानी कि एक लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट था कुछ अनलॉफुल अग्रीमेंट नहीं था एक लॉफुल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट दो पार्टियों के बीच में हो गया है पर आगे जाके उस वादे को उन, उन वा किए गए वादों को पूरा करने से पहले अगर कुछ ऐसा हो जाए जिससे कि उनका एक दूसरे को जो किया गया वादा है उसको पूरा करना असंभव हो जाए या गैर कानूनी हो जाए यानी कि जिससे हम कहते हैं फैक्चुअली इम्पॉसिबल हो जाए या लीगली इंपॉसिबल हो जाए यानी कि कानून में परिवर्तन आ गया तो जो आप उसको जो कपड़ा या जो भी माल उसको आप बेचना चाहते थे उस माल या उस कपड़े को बेचने पे ही अब रोक लग चुकी है आप इस राष्ट्र से बाहर या इस समझिए स्टेट से बाहर आप उसको बेच ही नहीं सकते किसी को और वो व्यक्ति आ, हिंदुस्तान के भारत के किसी दूसरे कोने में रहता है अब उस पर बैन लग गया है तो कानूनी तौर पर अब वो अवैध हो गया है अब अगर आप क्योंकि भाई हमने तो अनुबंध किया है पूरा करना है अब अगर आप करेंगे तो वो अनलॉफुल एक्ट है क्यों क्योंकि अब वो गैर कानूनी हो गया लॉ आ गया कानून आ गया जो ये करने से मना करता है तो इस वजह से इम्पॉसिबल हो जाता है परफॉर्मेंस अब हम देखते हैं कि जो धारा हमारी छप्पन है उसका भाग दो क्या कहता है किसी कार्य को करने का अनुबंध जो अनुबंध किए जाने के बाद असंभव हो जाता है या किसी घटना के कारण जिसे वचनकर्ता रोक नहीं सकता इसे याद रखिए जो इम्पॉसिबिलिटी की हम बात कर रहे हैं वो दोनों पक्षों की वजह से क्रिएटेड नहीं होनी चाहिए उनकी वजह से वो असंभवता नहीं उठनी चाहिए जो वचनकर्ता रोक नहीं सकता गैर कानूनी हो जाता है जब कार्य असंभव या गैर कानूनी हो जाता है तो वह अमान्य हो जाता है यानी कि वो इम्पॉसिबल हो जाता है तो इम्पॉसिबल हो गया तो अवॉइड हो गया ये चीज हमने पिछले व्याख्यान में भी पढ़ी थी जब हमने ये आपसे आपस में डिस्कस किया था कि एक शून्य अनुबंध और एक शून्य समझौते के बीच का अंतर क्या है यानी कि वॉइड जो कॉन्ट्रैक्ट है और वॉइड अग्रीमेंट के बीच का अंतर क्या है तो जो यहां पर धारा छप्पन भाग दो में दिया गया है वो है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्यों क्योंकि जब वो बना था तो वो बिल्कुल वैलिड था अब वो वॉइड हो चुका है यानी कि अब वो शून्य बन चुका है क्यों क्योंकि किसी वजह से किसी कारण से उसका पूरा होना या तो असंभव हो गया है उसमें किए गए वादों का पूरा होना या असंभव हो गया है या गैर कानूनी हो गया है भारतीय संविधान अधिनियम अठारह की धारा छप्पन धारा छप्पन दो चीजों से आपको परिचित करती है प्रारंभिक यानी कि पूर्व संविदा यानी कि प्री कॉन्ट्रेक्चुअल और पर्यवेक्षण बनने के बाद असंभवता और तथ्यात्मक और कानूनी असंभवता के बारे में बात करती है ये पहला और ये दूसरा तो पहला क्या है प्रारंभिक या पूर्व संविदा यानी कि इनिशियल इंपॉसिबिलिटी जो मैंने आपको बताया धारा छप्पन के भाग एक में दी गई है और दूसरी संविदा होने के बाद की इम्पॉसिबिलिटी जो है या असंभवता जो है वो आती है धारा छप्पन के भाग दो में जिसे हम कहते हैं सबसिक्वेंट या सुपरवीनिंग इंपॉसिबिलिटी क्यों क्योंकि वो संविदा के बनने के बाद आई है अनुबंध के बनने के बाद आई है और दूसरा है कि हम इम्पॉसिबिलिटी को जैसे मैंने आपको अभी यहां बताया था फैक्चुअल लीगल तो वही हम बात कर रहे हैं कि तथ्यात्मक यानी कि फैक्चुअल कानूनी यानी कि लीगल इम्पॉसिबिलिटी तो इन दो तरीकों से हम जो असंभवता है, उसको समझ सकते हैं जैसे कि वे धारा छप्पन के अंतर्गत दी गई है धारा छप्पन को लागू करने के लिए अनिवार्य क्या क्या शर्तें हैं? पहला पार्टियों के बीच एक वैध अनुबंध यानी कि एक वैलिड लीगल कॉन्ट्रैक्ट का अस्तित्व यानी कि होना जरूरी है अनुबंध का पालन होना अभी बाकी है यानी कि फ्यूचर यानी कि हम इम्पॉसिबिलिटी सिर्फ तभी बोल सकते हैं जब फ्यूचर कंसिडरेशन है समझौता जो हमने किया जो अनुबंध में हम पहुंचे वहां पर जो पार्टियों ने एक दूसरे को वादा किया है वो फ्यूचर कंसिडरेशन है यानी कि आगे भविष्य में पूरा होने वाला चीज है अनुबंध का पालन होना अभी बाकी है तीसरा अनुबंध में शामिल होने के बाद तथ्य या कानून यानी कि फैक्ट या फिर लॉ के कारण उसका पालन करना असंभव हो जाता है यही चीज मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताई अब आते हैं विफलीकरण का सिद्धांत यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ़ फ्रस्ट्रेशन के ऊपर ये इस व्याख्यान के अंतर्गत एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको पता होना बेहद जरूरी है आवश्यक विचार जिस पर अनुबंध की विफलीकरण का सिद्धांत आधारित है अनुबंध के निष्पादन की असंभवता हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो लीगल प्रिंसिपल जिस पर ये जो विफलीकरण का सिद्धांत है वो आधारित है वो प्रिंसिपल क्या है वो प्रिंसिपल ये है कि अनुबंध के निष्पादन की असंभवता हो जाती है इसीलिए हम कहते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट है या अनुबंध है वो फ्रस्ट्रेट हो गया है असंभवता और विफलीकरण यानी कि इम्पॉसिबिलिटी और यहाँ पे हम कहते हैं फ्रस्ट्रेशन इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस या फ्रस्ट्रेशन अक्सर विनिमय अभिव्यक्तियों यानी कि इंटरचेंजेबल टर्म्स के रूप में उपयोग किए जाते हैं तो ये कहा जाता है कि दोनों का मतलब एक तरह से एक जैसा ही है दोनों ही ये कहते हैं कि अनुबंध के निष्पादन की असंभवता हो चुकी है क्यों क्योंकि कोई तथ्यों में बदलाव आ गया है फैक्ट्स चेंज हो गए हैं या फिर कानून में बदलाव आ गया है जिस वजह से उस कार्य को करना अवैध हो चुका है बदली हुई अनुबंध के निष्पादन को यानी कि कॉन्ट्रैक्ट के परफॉर्मेंस को असंभव बना देती है सरकम यानी कि परिस्थितियां जब बदलती हैं उन बदली हुई परिस्थितियों की वजह से जो अनुबंध का निष्पादन है वे असंभव हो जाता है ये याद रखना बेहद जरूरी है और पार्टियां इसके आगे के निष्पादन से मुक्त हो जाती हैं जब उस कार्य का होना ही अब असंभव हो गया है तो दोनों में से और वो जो असंभवता है वो दोनों में से किसी भी पार्टी के वजह से नहीं हुई है तो ऐसे स्थिति में दोनों जो है पार्टी वो उस अनुबंध से मुक्त हो जाते हैं अपने दायित्व जो जिससे वे बंधे हुए थे उनसे मुक्त हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने असंभव कार्य को पूरा करने का वादा नहीं किया था जो कार्य को करने का वादा किया था वह कार्य असंभव हो गया है और उनका वादा असंभव कार्य को करने का नहीं था संभव कार्य को करने का था जो अब बदली हुई परिस्थितियों की वजह से असंभव हो गया है अब आगे देखते हैं कि विफलीकरण का प्रभाव क्या होता है यानी कि फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की जो हम बात करते हैं उसका इफेक्ट क्या होता है उसका प्रभाव क्या होता है पहला पार्टियों को अनुबंध रद्द करने की आवश्यकता नहीं है उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है एक एक अंग्रेजी में एक टर्म होता है डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट तो जब जो आपका वादा जो आपने किया है या जो कार्य आपने करना था उस अनुबंध के अंतर्गत अगर वो कार्य असंभव हो गया तो बाय डिफॉल्ट यानी कि अपने आप ही वो किया गया अनुबंध जो है उससे आप मुक्त हो जाएंगे वो अनुबंध जो है खुद ही रद्द हो जाएगा बाय डिफॉल्ट आपको रद्द करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि अनुबंध समाप्त होने के तुरंत बाद पार्टियों के दायित्व समाप्त हो जाते हैं आगे के दायित्वों का निर्वहन किया जाता है विफलीकरण यानी कि फ्रस्ट्रेशन करने वाले पक्ष के कार्य के कारण नहीं होनी चाहिए ये तो हमने पहले ही देख लिया कि पार्टी की वजह से अगर मैं ये बोलू कि देखिए मैं तो अब ये वादा किया गया पूरा कर ही नहीं सकती क्योंकि ऐसी घटना हो गई तो जो घटना घटी है जिस वजह से वो कार्य नहीं हो सकता उस घटना के घटने के पीछे मेरा हाथ नहीं होना चाहिए अगर ऐसा कि दूसरी पार्टी ने अगर ऐसा न्यायालय में प्रूव कर दिया साक्ष्य यानी कि एविडेंस के थ्रू तो मैं नहीं बोल सकती कि इम्पॉसिबिलिटी है या ये काम संभव ही नहीं था क्योंकि वो असंभवता जिस वजह से वो कार्य नहीं हो पाया मेरे द्वारा बनाई गई ही थी तो ये देखना जरूरी है कि अनुबंध जो करने वाला पक्ष के कार्य के कारण नहीं होनी चाहिए यानी कि स्वप्रेरित नहीं होनी चाहिए अब देखते हैं कि जो धारा पैंसठ है यानी कि सिक्सटी फाइव है उसमें क्या लिखा है देखिए उसमें ये लिखा है जो भारतीय संविदा अधिनियम की धारा पैंसठ है वो ये कहती है कि अगर कोई अनुबंध वॉइड, यानी कि शून्य हो जाता है मतलब कि जब आप उस अनुबंध में बंधे तो वो बिल्कुल ठीक था वैलिड था वैध था पर अब वो किसी वजह से जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है आपके पूरा करने से पहले ही वॉइड हो गया शून्य हो गया ऐसी स्थिति में क्या होना चाहिए ऐसी स्थिति में ये होना चाहिए कि देखिए आपने आपने अपना पार्ट पूरा कर दिया था आपने तो मुझे पैसे दे दिए हैं मैंने माल की डिलीवरी जो है समझिए आधे पैसे दे दिए थे माल की डिलीवरी से पहले और बाकी के आधे आपने माल की डिलीवरी होने के बाद देने थे आपने आधे पैसे मुझे दे दिए बट इससे पहले कि मैं आपको माल डिलीवर कर सकूं जैसे कि पहले मैंने आपको एक उदाहरण में बताया कारखाने में आग लग गई अब आग लग गई तो मैं अपना बाकी का वादा तो पूरा कर ही नहीं सकती मैं उस उसे पूरा करने योग्य नहीं हूं अब अब तो इम्पॉसिबिलिटी तो हो गई असंभवता की वजह से कॉन्ट्रैक्ट जो है डिस्चार्ज तो हो गया पर पैसठ ये कहता है कि ऐसी स्थिति में अब क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया और आपको माल तो मिला नहीं पर आपको आधे पैसे तो मिले थे वो पैसे आपको सामने वाले व्यक्ति को वापस देने होंगे रिस्टोरेशन या फिर रेस्टिट्यूशन जैसे पहले स्थिति थी वापस से उसी स्थिति को लाना होगा यानी कि पैसे दिए थे काम तो हुआ नहीं है और हो भी नहीं सकता तो आपको दंडित नहीं किया जा रहा है ये धारा पैंसठ कोई दंड के बारे में नहीं बता रही धारा पैसठ ये कह रही है कि आपको जिस काम के लिए पैसे मिले हैं वो काम तो हो ही नहीं सकता उस पैसों पर अब आपका कोई हक है नहीं तो वो पैसे आप वापस कर दीजिए क्योंकि वो आपके नहीं है वही चीज धारा पैसठ के तहत कही गई है जब कोई समझौता शून्य पाया जाता है या जब कोई अनुबंध शून्य हो जाता है तो कोई भी व्यक्ति जिसने ऐसे समझौते या अनुबंध के तहत कोई लाभ प्राप्त, प्राप्त किया है उसे बहाल करने के लिए बाध्य है उसे वापस रेस्टिट्यूशन रिस्टोर करने के लिए वो बंधा हुआ है उसे करना पड़ेगा या फिर उस व्यक्ति को इसके लिए मुआवजा देने के लिए बाध्य है जिससे उसने जिससे उसे मिला है वो पैसा या लाभ अब हम देखेंगे विफलीकरण के आधार और अपवाद क्या है यानी कि ग्राउंड क्या है और एक्सेप्शन क्या है यानी कि जो हम फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं उसके आधार क्या क्या है और अपवाद यानी कि उसके एक्सेप्शन क्या क्या है अब हम वे जानेंगे सबसे पहले है विफलीकरण के आधार यानी कि ग्राउंड्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन पढ़ेंगे हम पहला कि कैसे कैसे मतलब ये सब आपको जो यहाँ पे निम्न रही चीजें कि कैसे कैसे परिस्थितियों में या सिचुएशंस में हम कह सकते हैं कि जो अनुबंध है वो पूरा होना अब असंभव हो चुका है या उसमें किया गया जो वादा है या जो उसका निष्पादन है वो असंभव हो चुका है पहला विषय वस्तु का विनाश मैंने आपको बताया था कि भाई एक आर्टिस्ट ने परफॉर्म करना था एक थिएटर में और थिएटर में परफॉर्म वो करे उससे पहले उस थिएटर में आग लग गई या ये समझिए कि उस आर्टिस्ट का भगवान ना करे पर उसका एक्सीडेंट हो जाता है तो वो परफॉर्म करने योग्य तो है ही नहीं और अगर आग भी लग गई तो भी हो नहीं सकता कुछ तो वो है विषय वस्तु का विनाश यानी कि डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर मैंने आपको दो केसेस यहाँ लिखे हुए हैं आप इन्हें पढ़ सकते हैं टेलर बनाम कोल्डवेल और हॉवेल बनाम कपलैंड दूसरा है परिस्थितियों में बदलाव चेंज इन सर आपने एक व्यक्ति जो दूसरे देश में रहता है उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया इससे पहले वादा पूरा होता अब उस देश के साथ आपका देश जो है वो युद्ध में चला गया है परिस्थितियों में बदलाव हो गया कॉन्ट्रैक्ट पूरा ही नहीं हो सकता तीसरा सुविचारित घटना का घटित ना होना नॉन अप नॉन हैपनिंग ऑफ कंटेम्पलेटेड इवेंट जिस वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट बना था वो घटना अब होने ही नहीं वाली वो चीज जो है वो अब होने ही नहीं वाली है क्रेल बनाम हेनरी चौथा है पार्टी की मृत्यु या अक्षमता रॉबिन्सन बनाम डेविसन ये एक पियानो बजाने वाला आ, बजाने वाले थे और आ, अगर मृत्यु या अक्षमता हो जाती है तो वो बजाने योग्य रहे ही नहीं इम्पॉसिबिलिटी। सरकारी विधायी या प्रशासनिक हस्तक्षेप लेजिस्लेटिव गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरवेंशन कोई कानून ऐसा आ जाए आप, आप कुछ नहीं कर सकते युद्ध का हस्तक्षेप इंटरवेंशन ऑफ वॉर निष्पादित अनुबंधों के मामले में कोई विफलीकरण नहीं होता यानी कि नो फ्रस्ट्रेशन इन केस ऑफ एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट मतलब प्रेजेंट कंसिडरेशन अभी के अभी वो तो पूरा होना है उसमें इम्पॉसिबिलिटी क्या आप ऐसे दीजिए सामान लीजिए इसके एक्सेप्शन एक बार फटाफट हम देखेंगे एक्सेप्शन अपवाद है प्रदर्शन में मात्र देरी मियर डिले इन परफॉर्मेंस प्रदर्शन में मात्र देरी इम्पॉसिबिलिटी नहीं कहलाती असंभवता में नहीं गिनी जाती प्रदर्शन में कठिनाई सिर्फ कठिनाई असंभवता नहीं है व्यावसायिक कठिनाई कमर्शियल हार्डशिप अब आपने मार्केट में किसी चीज का वो दाम बढ़ गया जो चीज आपने किसी को देनी थी वो एक पर्टिकुलर दाम में मिल रही थी अब उसका दाम मार्केट में बढ़ गया अब आप तो आपके लिए तो मुसीबत हो गई है पर कठिनाई जो है वो एक्सेप्शन में नहीं आती और स्व असंभवता यानी कि सेल्फ क्रिएटेड हार्डशिप मैंने पहले ही बताया था कि आप न, ये जो असंभवता का कारण है वो आपके द्वारा खड़ा किया हुआ होना नहीं चाहिए आखिर में हम देखेंगे अप्रत्याशित घटना खंड यानी कि जब पार्टियों के नियंत्रण से परे किसी घटना या परिस्थिति के कारण प्रदर्शन बाधित होता है तो एक या दोनों पक्षों को अनुबंध दायित्वों को पूरा करने के दायित्व से राहत मिलती है विशिष्ट अप्रत्याशित घटनाएं यानी कि जो फोर्स मेजर क्लॉज हम बोलते हैं जो एक अनुबंध में डाला जाता है उसमें किस किस प्रकार की घटनाएं है? आती हैं उदाहरण के तौर पे, आग बाढ़, नागरिक अशांति या कोई आतंकवादी हमला ऐसी अगर कोई स्थिति आ जाती है उत्पन्न हो जाती है तो उसमें फिर जो किया गया वादा है उसे पूरा करना असंभव हो जाता है अप्रत्याशित घटना एक शब्द है जिसका प्रयोग श्रेष्ठ बल यानी कि सुपीरियर फोर्स घटना का वर्णन करने के लिए किया जाता है अप्रत्याशित घटना खंड का उद्देश्य दो गुना है आखिर में मैं आपको बस इतना बताना चाहूंगी कि जो प्रदर्शन की असंभवता है यानी कि धारा छप्पन और अप्रत्याशित घटना खंड जो है वो किस तरह से उनमें क्या तालमेल है जबकि हताशा का सिद्धांत एक सामान्य कानून सिद्धांत है अप्रत्याशित घटना खंड अनुबंध का निर्माण है यानी कि धारा छप्पन जो है प्रदर्शन की जो जो है है वो कानूनी सिद्धांत और अनुबंध वो कॉन्ट्रैक्ट का क्रिएशन है और, और, का और आखिर में अप्रत्याशित घटना एक संविधात्मक उपाय है और अप्रत्याशित घटना के नियम और शर्तें अनुबंध के निष्पादन से पहले पार्टियों द्वारा तय की जाती हैं और ये जो हम अप्रत्याशित घटना खंड की बारे में बात कर रहे हैं भारतीय संविदा अधिनियम के धारा बत्तीस के तहत रखा जाएगा रखा गया है या फिर आकस्मिक अनुबंधों या अधिनियम में निहित सामान्य अन्य प्रावधानों से संबंधित है यानि कि इस कॉन्सेप्ट का जो आप इसको आप धारा बत्तीस कंटेजेंट कॉन्ट्रैक्ट या उससे रिलेटेड बाकी के प्रोविजंस में पा सकते हैं मैं अपना व्याख्यान व्याख्यान आज का यही समाप्त करती हूँ धन्यवाद